आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूला के अंदर में इंसर्ट फंक्शन के अंदर में समीप फंक्शन का क्या काम है, समीप क्या होता है। तो सम के बारे में आप जानते हैं, हम आपको जोड़ना बताए हैं। आप किसी भी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को जोड़ना होगा तो हम लोग सम का यूज करते हैं। और इफ का मतलब होता है अगर। हम सम और इफ दोनों अलग अलग फॉर्मूला होता है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सम इफ का मतलब क्या है। तो सम का मतलब जोड़ना, इफ का मतलब अगर। तो अगर सम को हम लोग इफ के साथ, या कहने का मतलब कि कंडीशन के साथ आप कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप अगर इसको जोड़ना होगा तो आप ऑटो सम पे टिक मारते हैं और हमारा सारा सम जोड़ के निकाल देता है। ये तो हम जानते हैं, सिंपल बात है। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई ऐसा डाटा मिले, ऐसा चीज़ मिले जिसको हम लोग को उसके बीच बीच का या जो कहीं कहीं यूज हुआ है उसका हम जोड़ आपको निकाल के दिखाए, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम आपको सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। हम आपको एक डाटा बना के इसमें समझाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डाटा आपका ऑथेंटिक हो या इस टाइप को। हम आपको एक कंसेप्ट दे के बताते हैं कि इस टाइप के वर्क में आपको इस टाइप का काम कर सकते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट हम कहना चाहेंगे कि कोई भी वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपको समझ में आता है कि हम क्या कहें क्या बोले, बीच बीच से देखने से नहीं समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो जब भी हम बनाए तो पूरा देखा करें। तो चलिए उस मैटर पे हम लोग आते हैं कि सम इफ फंक्शन का क्या काम है, क्यों हम आपको सम इफ जाने, क्यों हम आपको सम इफ पढ़ाए। तो ये देखिए, हम एक यहाँ पे प्रोडक्ट, कंपनी और स्टॉक करके बनाए हैं समझाने के लिए। प्रोडक्ट में पेन पेंसिल, पेन पेंसिल बार बार इंप्रेशन किए हैं, आप कोई और आइटम ले सकते हैं। कंपनी का नाम हम ABC ABCD करके दिए हैं और हम यहाँ पे स्टॉक बताए हैं। हम जानना चाहते हैं कि पेन का क्या स्टॉक है। अभी तक हमको पेन का क्या स्टॉक है, पेंसिल का नहीं। तो पेन का स्टॉक जानने के लिए सिर्फ हम इसमें से, इस डाटा से हम लोग पेन का स्टॉक निकालेंगे। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, पेन आप इक्वल टू दीजिए और आप लिखेंगे सम इफ। आप जो ही सम इफ लिखेंगे तो लिखता है एट द सेल्स स्पेसिफाइड बाई ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो जो ही आप ब्रैकेट देंगे तो ये पूछता है रेंज, तो आपको कहाँ से निकालने हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों को इसमें से निकालना है, तो हम इसका रेंज दे दीजिए। सॉरी, हम पहले प्रोडक्ट पे चाहते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट का रेंज देते हैं। आप ऊपर से चलिए और इस प्रोडक्ट का हम रेंज देते हैं, आप कॉमा लगाइए। अब यहाँ पे कहता है क्राइटेरिया। सपोज कीजिए कि हम लोग इसका पेन चाहते हैं इसमें से, और फिर आप कोई कहता है कि सम रेंज कहाँ से जोड़ना है, तो हम लोग को इस स्टॉक वाले का रेंज दे देना है और आप इसको ब्रैकेट दीजिए और आप इंटर मारिए। ये देखिए 140 हमारा दिया। तो आप ध्यान दीजिए, पेन वाले का स्टॉक 20 है, 10 है, 30 हुआ, और फिर 30 और 30 60 हुआ, 20 80, और ये रहा आपका ये 80 और 40 120 और 20 140 हुआ पेन का स्टॉक। इस तरह से आप पेन का स्टॉक जाने कि हमारा इस प्रोडक्ट कंपनी में से जो ही हमारा स्टॉक बचा हुआ है पेन का 140 बचा हुआ है। इसी तरह से हम पेंसिल का अलग निकाल लेते हैं, फिर इक्वल टू दीजिए, सम इफ लगाते हैं, आप ब्रैकेट दीजिए और फिर वही बात, क्राइटेरिया पूछता है हमारा रेंज, तो आप इस रेंज को दीजिए और कॉमा दीजिए। इस बार हम इसमें क्राइटेरिया कहता है तो हम लोग पेंसिल का देंगे, कॉमा दीजिए, और सम रेंज कहता है तो आप स्टॉक का रेंज दीजिए, और इसमें से आप ब्लॉक बना, ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मारिए, तो आपको यहाँ दिया 85।
तो हम अलग अलग निकाले। कहने का मतलब है अगर आप सम फंक्शन यूज करते तो क्या करता, यहाँ से सम अगर हम मारेंगे तो पूरा जोड़ देगा, लेकिन हम इसका अलग अलग वैल्यू का एक ही जगह लिखा हुआ लेकिन अलग अलग वैल्यू को कंडीशन के साथ निकाले तो हम इस सम इफ फंक्शन का यूज करके देखें। दूसरा कंसेप्ट है कि सपोज कीजिए कि हम एक तो बनाए, अब हम कंपनी के हिसाब से देखिए, हम यहाँ कंपनी में अपना मन से ए बी दिए हैं, सी दिए हैं, फिर दिए हैं, ये दिए हैं, तो हम एक पेन खरीदे हैं जो ए कंपनी का भी है और दूसरा पेन हमारा सपोज कीजिए कि डी कंपनी का भी है, लेकिन हम ए कंपनी वाला का ही हम स्टॉक चाहते हैं, हम डी कंपनी वाला का स्टॉक नहीं चाहते हैं। तो इस टाइप का काम करने के लिए फिर वही बात है, आप इक्वल टू दीजिए और हम लिखेंगे यहाँ सम इफ, फिर ब्रैकेट दीजिए, अब ये रेंज कहता है तो हम लोग इसमें से निकालेंगे और कॉमा लगाइए, फिर क्राइटेरिया तो ए नाम का पेन और कॉमा दीजिए और किसका, तो फिर वही बात स्टॉक इसका कितना है, आप रेंज देखें, आप इंटर मारिए आपको दिखाएगा 90 दिया। ये देखिए हमारा ए नाम का पेन का 20 यहाँ पे है, फिर 30 यहाँ है, 30 20 50 और 40 90, ये देखिए पेन डी नाम के कंपनी का 20 ये छोड़ दिया। तो इस टाइप से अगर आप कोई कंडीशन के साथ निकालना चाहते हैं सम, तो हमारा निकाल के दिया, सबको नहीं जोड़ा, जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से जोड़ा। तो ये तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको यूज करके देखेंगे आपको समझ में आएगा। दूसरा कंसेप्ट हम एक और एग्जाम्पल के साथ बताए हैं, सपोज कीजिए कि हमारा एक्सपेंस हम बिक्री लिखे हैं, आइटम कोड और क्वांटिटी है हमारा, सपोज कीजिए कि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो भी लिखे हैं, तो मंडे वाले का कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, या आप कहिए हम यहाँ आइटम कोड दिए हैं 1 2 3 4 करके, तो 101 आइटम का हमारा सपोज कीजिए कि ऑर्डर है, तो 101 आइटम का ऑर्डर हमने कितना क्वांटिटी दिया, या हमने दिया तो हमारे पास कितना स्टॉक है, हम इस टाइप का जानने के लिए भी यूज करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ समझाने के लिए आइटम कोड लिखे हैं, आप इसका आइटम कोड के हिसाब से सपोज कीजिए कि हम लोग 103 वाला का हम चाहते हैं या 101 वाला, किसी आइटम कोड का हम लोग क्वांटिटी जानना चाहते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक में है या हमने ऑर्डर दिया, तो लिखिए इजिकल टू, आप इसको सम इफ फिर लिखिए, फिर वही बात हो जाती है, आपको रेंज कहता है तो आप दीजिए आइटम कोड, फिर आप कॉमा दीजिए, क्राइटेरिया कहता है तो सपोज कीजिए कि 103 वाला हम देते हैं और कॉमा दीजिए और किसका, तो क्वांटिटी बता के हमको बताएगा कि 103 वाला आइटम कोड हमारा कितना है, प्रिंटर मारिए, देखिए 21 दिया। अब ध्यान दीजिए 103 वाला यहाँ है जिसका 9 है और 103 वाला है जिसका 4 है, तो 9 और 4 13 और 8, तो 13 और जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्पेशली जो आप चाहें निकाल के दिया, और इसी तरह से एक और है, हम बिकली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मंडे या ट्यूसडे वाला कितना क्वांटिटी मेरे पास बचा हुआ या मंडे में कितना हमने खर्च किया, तो मंडे मंडे करके जो भी होगा हमको निकाल के दिखाएगा, तो फिर वही बात है इक्वल टू लिखिए, समीप दीजिए, ब्रैकेट दीजिए और फिर बात है रेंज कहता है तो आप बिकली वाले का रेंज दीजिए, फिर आप कॉमा लगाइए और वही बात है क्राइटेरिया, तो मंडे दीजिए और कॉमा दीजिए और आप क्वांटिटी पूछिए इससे, आप इसको ब्रैकेट बनाइए और इसको इंटर मारिए तो आपको दिया छः। ये देखिए एक मंडे वाला 5 है और दूसरा मंडे हमारा 1 है और बीच में मेरा वनडे है ही नहीं, तो 6 क्वांटिटी बचा हुआ है या 6 क्वांटिटी आपने ऑर्डर दिया या माल है, आप इसको जैसे समझिए। तो इस तरह से हम लोग सम इफ फंक्शन का यूज करके जान सकते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हुआ, इसको आप जैसे यूज करिए जिसमें मल्टीपल कंडीशन के साथ कहीं जोड़ने की जरूरत पड़े या बीच का आइटम आप जानना चाहते हैं तो आप इसका यूज करके देख सकते हैं। ये तो हमारा हुआ डायरेक्ट तरीका। दूसरा एक हम फंक्शन आपको यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहीं पे हम निकाल के बताते हैं, हम चाहते हैं कि ट्यूसडे वाले का निकाल के हम देखना चाहते हैं कि कितना है, तो इसको हम लोग इंसर्ट फंक्शन से यूज करके देखना चाहते हैं। आप इंसर्ट फंक्शन में चले, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे समीप, समीप लिख करके आप गो करिए,
जो ही करेंगे तो ये देखिए हमारा समीप फंक्शन आ गया और लिखता भी है एट द सेल्स स्पेसिफाई बाई ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, आप ओके करिए। अब यहीं पे कहता है, ये रेंज कहता है, तो सपोज कीजिए कि हम आपको आइटम कोड के हिसाब से चाहते हैं, फिर क्राइटेरिया कहता है तो हम 103 या 109 जो भी है, सपोज कीजिए कि हम लोग 102 ही चाहते हैं, और सम रेंज कहाँ से करेगा तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसका क्वांटिटी का रेंज देते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भी हमारा ये दे दिया 12, आंसर यहाँ भी दे देता है, तो ये आप करके देख सकते हैं, और इसको फिर ब्रैकेट देने की जरूरत तो नहीं, आप इसको ओके करिए। ये देखिए हमारा 12 दिया, आप जोड़ सकते हैं कि 102 वाले का जो कंडीशन है आपका 12 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूला का सभी फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं या जान सकते हैं। हम उसको किसी भी सेंस में, सपोज कीजिए कि हम ऐसे ही आपको बताते हैं कि हमारा कोई रिजल्ट कितना पेंडिंग है, कितना हमारा पास हो गया, कोई भी चीज़ पेमेंट मेरा कितना सक्सेस हुआ, तो सक्सेस पेंडिंग का अलग अलग टाइप का आप निकाल सकते हैं। जिस टाइप से हम आपको पेन पेंसिल का बताए हैं, कितना बच्चा पास किया, कितना बच्चा फेल किया, आप ऐसा भी डाटा बना के इसको हम लोग यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा समीप फंक्शन का काम कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो आप इसको अलग अलग टाइप से बारी बारी से इसको प्रैक्टिस करके देखिए, एक एक चीज़ को आपको करके बारी बारी से उसको सुनिए और इसका प्रैक्टिस करके देखिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में समीप फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।